दिनांक 7 मार्च को विभिन्न समाचार पत्रों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही खबर प्रयागराज में शहर के करेली थाना अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने बुरा भला कहते हुए हमला कर दिया, जिसके संबंध में अवगत कराना है कि जिन राजीव भनोत के हवाले से सूचना दी गई वो अभी ऐसा बात नहीं कर रहे हैं। जो फॉर्म भरा जाना था उसके प्रारूप को लेकर मतभिन्नता थी, इसके लिए कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया, लेकिन किसी पर हमला मारपीट या ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है और न ही थाना करेली पर इस प्रकार की कोई तहरीर प्राप्त हुई। ये खबर पूर्णतया असत्य है, जिसका प्रयागराज पुलिस द्वारा खंडन किया जाता है। कृपया भ्रामक खबर न फैलाएं, न फैलाने दें। ये GNN समाचार, दैनिक जागरण और कुछ अन्य समाचार पत्रों में तथा व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप पे ये एक मैसेज चल रहा है कि गौसनगर करेली में स्वास्थ्य विभाग की टीम जब सर्वे करने गई थी तो उनके साथ लोगों ने दुर्व्यवहार किया और मारपीट की गई। इस बारे में वार्ड बॉय पंकज कुमार भास्कर, जो इस टीम के सदस्य थे, और राजीव भनोट, जिनके हवाले से खबर लिखी गई है, इन दोनों लोगों से बात की गई तो इन्होंने बताया कि दुर्व्यवहार या मारपीट जैसी कोई घटना नहीं हुई थी। वहाँ स्वास्थ्य विभाग के लोग सर्वे करने गए थे तो चूंकि वो पूरे परिवार के सदस्यों का नाम पता नोट करना चाहते थे तो वो कह रहे थे कि हम बीमार व्यक्तियों का नाम पता बताएंगे, और इसी चीज़ पर फिर टीम वहाँ से वापस चली आई थी। प्रयागराज पुलिस इस चीज़ का पूरी तरह से खंडन करती है कि सर्वे टीम के साथ किसी भी प्रकार से कोई हमलावर हुआ था या उसके साथ मारपीट की गई थी, और ये प्रयागराज पुलिस आपसे अपील करती है कि कृपया घटना की इस दौरान पूरी सत्यता की जांच करके ही तभी उसे अपलोड करें। धन्यवाद। जय हिंद।